नमस्कार, उत्तर प्रदेश के खबरों में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं तमाम खबरों की ओर। शिक्षक दिवस पर जालौन के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मंडोरा में प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित बच्चों के कार्यक्रम देखकर शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। तो वहीं पर्ची काउंटर पर अधिक भीड़ देखकर मंत्री ने नए काउंटर खुलवाने के दिशा निर्देश दिए। मैं सभी शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगलकामना, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक सबसे माँ बाप के बाद में अगर माना जाता है तो शिक्षक गुरु माना जाता है। और यहाँ मैंने बालिकाओं के साथ में देखा है और व्यवस्थाएं देखी है। मैंने यहाँ एक यहाँ के जिलाधिकारी से मैंने अनुरोध किया है कि बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई पार्क जैसा व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा, बच्चा खेले कूदेंगे भी। तो मेडिकल कॉलेज में मैंने जो व्यवस्थाएँ की वहाँ, तो मैंने काउंटर पे थोड़ी भीड़ देखी तो मैंने कहा काउंटर और बढ़ाइए जिससे लोगों को असुविधा न हो, ज़्यादा समय पर्ची बनवाने में न लगे। ये व्यवस्थाएँ भी वहाँ 10 काउंटर बढ़ाने के लिए हमने बोला है। दूसरा, एक सहायता केंद्र भी हमने कहा है कि वहाँ रहे, लोग बाहर से आएँ, सुदूर से आएँ, उनको ये जानकारी रहे कि हमें कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, किस वार्ड में हमें जाना है, किस नंबर में दिखाना है, ये सारी व्यवस्थाएँ रहें तो आम पब्लिक को सुविधा मिले। ये इसी तरह की जब जाना होता है तो चीज़ें जब संज्ञान में आती हैं तो उस पर अमल भी होता है। पहले जब निरीक्षण करने आए थे हमने कहा कि एक ऐसा पोस्टर बनवा के लगाइए तो जिसमें दिखाओ कि हमें डॉक्टर बच्चों के यहाँ बैठेंगे, लेडीज वाले यहाँ बैठेंगे। तो सुबह आज मैंने जगह देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो वहाँ अमल हुआ है उस पर। और आगे कोई पेशेंट जब आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से उनसे देखते हैं तो उनको एक सुविधा होती है कि हम इस वार्ड में जाना है, इस दिखाना है, इस नंबर में जाना है। मैं सभी शिक्षकों को मेरी ओर से बात। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है, जहां रेप कांड में भुआ और नीलू की रिमांड एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न होने की वजह भी सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की आरोपी भुआ और नवाब के भाई नीलू दोनों को ही रिमांड मांगी थी। केस में प्रलोभन और रुपए ट्रांसफर के एंगल पर पूछताछ के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसके बाद भुआ की जमानत पर अगली सुनवाई 7 तारीख को होनी है। 24 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कन्नौज पर दिखाई गई, उसमें नवाब सिंह के खिलाफ एक छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। कथित घटना के टाइम ये जो हमारी अभियुक्ता हैं ये भी मौजूद थी, इनका बैग भी साथ में था जो कि पुलिस ने कब्जे में ले लिया, इनको भी कस्टडी में ले लिया था। तहरीर के बाद हमारी अभियुक्ता पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था, इनको छोड़ दिया गया था, लेकिन सामान जो था वो पुलिस के पास ही मौजूद रहा था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में इनको भी एज ए अभियुक्त बना दिया और इन पे ये आरोप लगाए कि हमने मानव तस्करी की, बलात्कार कराने में सहयोग किया अभियुक्त का और उसको सजा से बचाने के लिए हमने साक्षियों का लोप किया। ऐसे गंभीर आरोप हमारे खिलाफ लगाए गए थे। हमने पूर्व में जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी आज सुनवाई होनी थी। पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई भी किसी प्रकार कोई साक्ष्य नहीं था, जिस कारण कोई केस डायरी आज न्यायालय में नहीं भेजी गई और उन्होंने इसके लिए समय चाहा था। फिर एक दिनांक 4/9/2024 को PCR मांगने हेतु अभियुक्ता पूजा तोमर और नीलू यादव का एक एप्लीकेशन पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था, उस पर भी आज सुनवाई हुई थी। उसमें यह था कि कुछ ऐसी पासबुक हैं जो अभियुक्त नीलू यादव के द्वारा बताया गया कि आप हमको ले चलो तो हम उनको बरामद करा देंगे, और अभियुक्ता ने यह बताया कि कोई शुक्ला जी हैं उनके अकाउंट में कोई पैसा डाला गया। पीड़िता की अभियुक्ता की माँ ने ऐसा कोई बयान दिया, जबकि अभियुक्ता की माँ शारदा देवी इसी मुकदमे में पैरोकार हैं और जमानत करवाने में पूरा सहयोग कर रही हैं, उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया था। अदालत में हम शपथ पत्र उनका दिलाएंगे। पुलिस मनगढ़ंत तरीके से इस मामले को ढंग से साक्ष्य जुटा के फर्जी तरीके से अभियुक्ता को फांस रही है। हमारे खिलाफ किसी प्रकार कोई आरोप नहीं था। जो PCR का एप्लीकेशन दिया गया था वो विधि व्यवस्था में ऐसा है कि पुलिस के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अग्रसारित किया जाना था, लेकिन जो प्रार्थना पत्र दिया गया था वो विवेचक महोदय के द्वारा दिया गया था, जिस कारण अदालत ने उसको माना कि मेंटेनेबल नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब आगे कोई PCR की एप्लीकेशन दिया जाएगा तो उस पर पुनः बहस होगी।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई में अगली तारीख 7/9/2024 को। खबर यूपी के जालौन से है, जहां उरई से राठ को जोड़ने वाले मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण लोगों को वाहन निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं परेशान युवक ने बताया कि मुहाना गांव के पास 2 किलोमीटर के रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन निकालने में समस्या आ रही है। इतना ही नहीं, इन बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिस कारण लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। साथ ही साथ कहा कि बीते कई वर्षों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, न ही इस सड़क के गड्ढे भरे गए हैं, जिस कारण इस मार्ग की स्थिति जर्जर हो गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, इस सड़क की तरफ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। रोड में की यही समस्या है कि आए दिन जो लोग भी आते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो गए हैं। अभी एक लेडीज है तो वो खत्म हो गई थी, तो यही हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि रोड को सुधरवा दिया जाए। वही मुसीबत हुई पलटने का भी डर रहता है, आए दिन हादसे होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? रोड को लेकर यही समस्या है कि आए दिन जो लोग भी आते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो गए हैं। अभी एक लेडीज है तो वो खत्म हो गई थी, तो यही इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 11 दिन से लापता युवक के कपड़े और जूते मिले हैं। कपड़ों के पास एक कंकाल भी मिला है, जो लापता युवक के होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं कर पाए। फिलहाल पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए कंकाल लेब में भेज दिया गया है। हमारा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा, कहाँ रहते हो? रामगंज। क्या हो गया, क्या घटना हुई? अब उसकी शाम से दुकान गया, तो दुकान के आने दुकान जाने पर घर आया ही नहीं। कितने दिन पहले? 25 तारीख को शाम के 7 बजे तक घर नहीं आया। फिर इसके बाद लापता है। कोतवाली में सूचना दी थी? सूचना कोतवाली में, पंपलेट वगैरह सब छपे हुए। आज आज क्या सूचना मिली आपको? आज एकदम 11 बजे अभी 12 बजे खबर मिली कि एक रेत गाड़ी पड़ी, देखने आए थे, जूता उसी का है, पैंट उसी का है, बेल्ट उसी का है, पैंट सब उसी का है। कैसी लग रही डेड बॉडी, किस तरीके की रही? अब जो क्या बताएं कितने दिन की लग रही है, तो आज 11वां दिन है। हमारा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा, कहाँ रहते हो? रामगंज। क्या हो गया, क्या घटना हुई? अब उसकी शाम से दुकान गया, तो दुकान के आने दुकान जाने पर घर आया ही नहीं। कितने दिन पहले? 25 तारीख को शाम के 7 बजे तक घर नहीं आया। फिर इसके बाद लापता है। कोतवाली में सूचना दी थी? सूचना